स्टार प्लस का शो एक भ्रम सर्वगुण संपन्न लगातार सुर्खियों में है। बताते हैं कि जब से शो के प्रोमोज रिलीज हुए हैं, लोग इस शो के पहले एपिसोड को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। खास करके अगर बात करें आदर्श बहू जानवी मित्तल की, तो कौन है जानवी और कैसे अपने ही परिवार की दुश्मन बन गई? ये सवाल लोगों के मन में पहले ही घर कर चुके हैं। और अब जब शो के पहले एपिसोड को ऑन एयर होने में महज कुछ घंटे ही बचे हैं, तो ऐसे में शो के इस पहले एपिसोड की कुछ बेहद इम्पोर्टेंट डिटेल्स हमें पता चली हैं। तो चलिए पहले एपिसोड में आप क्या कुछ देखेंगे और कैसे जानवी मित्तल की ये कहानी आगे बढ़ेगी, इसके बारे में आपको इस रिपोर्ट में हम बताते हैं। दरअसल सोर्सेज से ऐसी जानकारी मिली है कि शो की शुरुआत काफी फिल्मी अंदाज में ही होगी, जहां जानवी बनी श्रेणु पारिक एक आदर्श बहू की तरह दिखेंगी। एक संस्कारी बहू की तरह जानवी सुबह सबसे पहले उठकर पूजा पाठ करेगी और फिर एक एक करके अपने परिवार वालों से ऑडियंस को रूबरू कराएगी। जानवी पर भी पूरा मित्तल परिवार प्यार लुटाता दिखेगा। सास ससुर जी, देवर ननद सभी जानवी को देखकर काफी खुश होंगे। लेकिन सुनने में आ रहा है कि जानवी और उसके पति ध्रुव के बीच रिश्ते की एक अजीब कहानी आपको पहले ही एपिसोड में दिखाई जाएगी। दरअसल देखने को मिलेगा कि सभी जहां जानवी से खुश होंगे, तो वहीं पति ध्रुव जानवी के बर्ताव से एकदम नाखुश। तो अब ऐसा क्यों है? इस सवाल का जवाब तो हमें शो देखने पर ही पता चलेगा। लेकिन जैसा कि शो के प्रोमो से साफ है कि कहानी में एक भ्रम वाला जबरदस्त ट्विस्ट है, तो ऐसे में आप देखेंगे कि जिस परिवार की बैकबोन है जानवी, वही जानवी उस परिवार की खुफिया दुश्मन भी। यानी सामने तो वो परिवार की चिंता फिक्र करेगी, लेकिन पीठ पीछे घर के बर्बादी की दास्तान को अंजाम देगी। सुनने में आ रहा है कि जानवी की इस कहानी में उसके देवर यानी एक्टर जैन इमाम का भी काफी अहम रोल है, जो कहानी को काफी इंटरेस्टिंग मोड़ देगा। तो कौन से खास मकसद से जानवी कौन सा खेल खेलेगी, ये देखने का तो हमें भी इंतजार रहेगा। तो देखते हैं कि आगे शो में क्या क्या ड्रामा होगा और पहले एपिसोड में हम कौन सा सस्पेंस देखेंगे। लेकिन मानकर चलिए कि मेकर्स आपको रोजाना इस शो में कोई ना कोई सस्पेंस जरूर देंगे, जो शो की कहानी को आगे देखने के लिए आपकी उत्सुकता को जरूर बढ़ाएगा।